हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल की रियल जॉब क्वेरी के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप अपने ऑफिस में डेली डिफरेंट मल्टीपल एमएस एक्सेल की फाइल्स को ओपन करते हैं, उन्हें यूज करते हैं, तो ये वीडियो कुछ खास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक सिर्फ सिंगल क्लिक से अपनी डेली यूज होने वाली एमएस एक्सेल की फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं हूं सुनील रावत और आप देख रहे हैं ट्रेजर टुडे चैनल। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल मैजिक ट्रिक, हाउ टू ऑटोमेटिकली ओपन ऑल एक्सेल फाइल्स इन अ वन गो विदाउट VBA कोड। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे डू एंड डोंट्स के बारे में भी। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है और आप एक मंथ में 22 डेज अपने ऑफिस जाते हैं और आपको अपनी एक्सेल फाइल्स जो कि आप डेली यूज में लाते हैं उनको ओपन करने में डेली आप अपने 5 मिनट वेस्ट करते हैं। सो एक मंथ में आप टोटल अपने 110 मिनट और एक साल में आप अपने टोटल 1320 मिनट और अगर मैं इसकी बात करूं आर्स की इन अ ईयर, सो आप अपने 22 आर्स अपने वेस्ट करते हैं वन ईयर में सिर्फ अपनी एक्सेल फाइल्स को ओपन करने में। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको सिंपली जिस भी लोकेशन पे आप अपने डेटा को रखते हैं, अपनी फाइल्स को रखते हैं, वहां पर आपको एक फोल्डर को क्रिएट कर लेना है और उस फोल्डर के अंदर आपको अपनी वो एक्सेल फाइल्स रखनी है जिनको आप बाय डिफॉल्ट ओपन करवाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इन्हें बाय डिफॉल्ट ओपन करवा सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर सी ड्राइव में डेस्कटॉप में ट्रेजर टुडे डेली वर्क फाइल्स के नाम से हमने ये फोल्डर बनाया है और उसमें हमने इन 3 एक्सेल फाइल्स को यहाँ पर रखा हुआ है। पहली फाइल है 3 ways to transpose द डेटा और सेकेंड है कैमरा टूल और थर्ड है यहाँ पर डेटा सर्च बॉक्स। मीन्स हम इन 3 फाइल्स को डिफॉल्ट ओपन कराना चाहते हैं। जब भी हम अपनी एक्सेल फाइल्स को ओपन करें तो ये डिफॉल्ट फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएं। आप किसी भी लोकेशन पे अपने फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस फोल्डर के पाथ को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपनी एक्सेल फाइल में, एक्सेल वर्कबुक में अब आप आ चुके हैं और अब आपको जाना है फाइल टैब में। फाइल टैब में जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे आप क्लिक करते हैं, एक्सेल ऑप्शंस की विंडो यहां पर ओपन हो जाती है। आपको जाना है एडवांस टैब में। एडवांस टैब में जाने के बाद जब आप डाउन डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है जर्नल का। जर्नल में आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहां पर आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, एट स्टार्टअप ओपन ऑल फाइल्स। सो मीन्स जब भी आप अपनी एक्सेल ओपन करें सो आपकी बाय डिफॉल्ट कौन सी एक्सेल फाइल ओपन हो जाए, सो आपको यहां पर उस पाथ को अपना पेस्ट करना है जिस फोल्डर में आपने अपनी डिफॉल्ट एक्सेल फाइल्स को रखा हुआ है। सो सिंपली हम यहाँ पर इसे पेस्ट करने वाले हैं। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। ओके पे हमने क्लिक कर दिया और फिलहाल हम इस एक्सेल फाइल को यहाँ से क्लोज करने वाले हैं। क्लोज करने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपली आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये फोल्डर हमारा यहाँ पर इस समय ओपन है, कोई भी एक्सेल फाइल यहाँ पर फिलहाल ओपन नहीं है। चलिए अब एक्सेल फाइल को, न्यू एक्सेल फाइल को ओपन करके देखते हैं कि क्या ये 3 फाइल्स जो हमारी हैं एक्सेल की वो बाय डिफॉल्ट ओपन होती हैं या नहीं। सो क्लिक करते हैं यहाँ पर एक्सेल फाइल पे। सो अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ये फाइल हमारी ओपन हो रही है और ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपने डेटा को किसी अदर वर्कबुक से लिंक किया हुआ है, इसलिए ये मैसेज आ रहा है, ये आपको मैसेज नहीं आएगा। सो फिलहाल मैं यहाँ पर डोंट अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ। सो अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी बाय डिफॉल्ट ऑल 3 फाइल्स ओपन हो चुकी हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्सेल फाइल्स तो यहाँ पर ओपन हो गई लेकिन क्या कोई अदर फाइल्स ओपन हो सकती हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल हम इन एक्सेल फाइल्स को यहाँ पर क्लोज करते हैं जो कि डिफॉल्ट ओपन हुई हैं। सो फिलहाल मैं इसे यहाँ पर इन्हें क्लोज करने वाला हूँ। सो फाइल हमने यहाँ पर क्लोज कर दी और सिंपली हम यहाँ पर कुछ अदर फाइल्स रखते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर एमएस वर्ड और पावर पॉइंट की फाइल को रख देते हैं। सो गाइज, हमने यहाँ पर एमएस वर्ड एंड पावर पॉइंट की फाइल को इस फोल्डर में रख दिया है और अदर हमारी ऑल फाइल्स इस समय क्लोज हैं। नाउ अब सिंपली न्यू एक्सेल फाइल को ओपन करके देखते हैं कि क्या ये एमएस वर्ड और पावर पॉइंट की फाइल ओपन हो पाती हैं या नहीं।
फिलहाल हमने क्लिक कर दिया है एक्सेल वर्कबुक पे ओपन करने के लिए, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एरर आने वाली है। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से ये एरर आ चुकी है, एमएस वर्ड डॉक्स एक्स जो इसका एक्सटेंशन कोड होता है, फाइल फॉर्मेट इज नॉट वैलिड। सेम आपको एरर आने वाला है यहाँ पर पावर पॉइंट के लिए भी। सो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर सिर्फ आप अपनी एक्सेल फाइल्स को ही ओपन करा सकते हैं, अदर फाइल्स को आप ओपन नहीं करा सकते। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा, ये आपको अदर किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया है आज तक। सो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सो चलिए मैं फिलहाल यहाँ पर इन फाइल्स को दोबारा बंद कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको एक फीचर इसका और दिखाता हूँ। लेट्स से अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये फाइल हमारी यहाँ पर ओपन हो जा रही है और आप चाहते हैं कि अब इन तीन फाइल में से या तो आप कोई नई ऐड करना चाहते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं, सो वो कैसी होगी। सिंपली अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, सो लेट्स से ये डेटा सर्च बॉक्स वाली फाइल है, हम इसे यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। फाइल हमने डिलीट कर दी, या फिर अगर आपको कोई फाइल ऐड भी करनी है तो सिंपली आप इस लोकेशन में ला के उस फाइल को यहाँ पर जो है पेस्ट कर सकते हैं या फिर इस लोकेशन में सेव कर सकते हैं। सो आप कर पाएंगे, फिलहाल हम ले रहे हैं यहाँ पर, हम उस फाइल को यहाँ पर जो है हटा चुके हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पर हमारी जो ये दो फाइल हैं यही ओपन हो। सो क्लिक करते हैं यहाँ पर न्यू एक्सेल वर्कबुक पे और चेक करते हैं कि ये जो हमारी दो फाइल हैं थ्री वेज टू और जो हमारी कैमरा टूल वाली फाइल है वो ओपन हो पा रही है या नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस समय हमारे पास थ्री वेज टू और कैमरा टूल सिर्फ यही दो फाइल्स हमारी ओपन हुई हैं। नाउ गाइज आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा इस समय कि अगर आप ये चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपके वर्कबुक में कोई भी फाइल एक्स्ट्रा ओपन ना हो, सिर्फ आप जो फाइल ओपन करें वो ही ओपन हो, सो वो आप कैसे कर पाएंगे। सो इसके लिए आपको जाना है अपने एक्सेल के फाइल टैब में, फाइल टैब में जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शंस में, ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक्सेल ऑप्शंस में एडवांस टैब में जाना है, एडवांस टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली एक ऑप्शन मिलता है जनरल का, जहाँ पर हमने अपने उस पाथ को फोल्डर के पाथ को रखा था। सो ये जनरल का आपको यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है एड स्टार्टअप ओपन ऑल फाइल्स। सो इस पाथ को हमने सिंपली यहाँ से रिमूव कर देना है, फिलहाल हमने इस पाथ को यहाँ पर रिमूव कर दिया और इसे अब फिलहाल ओके करते हैं। जब ओके करते हैं लेट्स से अब हम इस फाइल को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, फाइल हमने यहाँ पर क्लोज कर दी और इस फाइल को भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। और अब चेक करते हैं किसी नई वर्कबुक को ओपन करके कि ये जो फाइल है यहाँ पर अब ओपन हो पा रही हैं या नहीं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं न्यू वर्कबुक पे और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी न्यू वर्कबुक ओपन हो चुकी है, अदर कोई भी एक्सेल वर्कबुक हमारी ओपन नहीं हुई है। गाइज आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे आप अपनी डेली में यूज होने वाली एक्सेल फाइल्स को डिफॉल्ट ओपन करवा सकते हैं, साथ ही हमने डिस्कस किया डू एंड डोंट्स के बारे में भी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर आपने अपनी डिफॉल्ट फाइल्स को ओपन करवाया है, सेटिंग्स कर दी हैं, सो कैसे आप उनको पहले की तरह नॉर्मल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है सो वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे MS Excel की नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, वंदे मातरम।